अब यहाँ से हमने चेक करना चालू किया कि आपकी वाटर टैंक में जो है चार गुलाबे फाइनल हो गए, तो क्या उसकी गतिज भी बन जाएगी, पूरी नहर एक साथ बनाएंगे। ये चार गुलाबे जहाँ चले गए वहाँ तक चार गुलाबे फाइनल हुए, तो वो चार गुलाबे पर आप टेंडर तो तभी कर सकते हो जब आपकी इनकी वहाँ तक की पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, उसके बिना नहीं कर पाओगे ना। सर जैसे ये क्लियर हो गया कि टेंडर करना, तो उपस्थित साहब जी जब इन्होंने क्लियर कर दिया कि किसी जगह पे करेंगे और उसका सदरा भी क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ खेतों में पानी जाएगा। अभी मान लीजिए कोई गुलाबा नंबर आठ है, संजोग से अभी आठ का जो सीसीए होगा 36 हेक्टेयर है, अब जब ज्वाइंटली हमारे वो लोग सर्वे करेंगे तो हो सकता है उसमें 32 हेक्टेयर में ही पानी पहुंच पाओ, चार हेक्टेयर में ना पहुंच पाए, तो उस चार हेक्टेयर के रकबे को हटा देंगे और सदरे को 32 में फाइनल कर लेंगे और गुलाबक लोकेशन फाइनल कर लिए, तो अब हम उसका डीपीआर अपना बना करके तैयारी कर सकते हैं। तो एक मिनट सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये यहाँ पर ये गुलाबे बार फाइनल करते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक ये 31st आईबीजी अब ये देंगे तब देंगे, लास्ट उसका तभी तो समय बाद में आएगा, तो हम लोग गुलाबे तो जो ज्वाइंटली ये कर रहे हैं उस पर उस गुलाबे पर टेंडर निकालने की सहमति इनसे भी प्राप्त होगी, ये लोग भी जो है इस पर सहमति देते हैं यहाँ यहाँ से पानी की। गुलाबा केवल नहीं, उससे पानी जो है उसमें खेतों में चला जाएगा, ये गुलाबा तो आपने इन्होंने सर बहुत फाइनल किए पूरे प्रदेश में, वही करेक्शन तो ज्वाइन करेंगे और जहाँ पानी निकल के जाएगा वही लगेगा। हाँ, ये चीज भी एश्योर जो है सिंचाई डिपार्टमेंट करता जाए साथ साथ, मतलब इस काम के लिए आपको जेई को भी जो है भेजना पड़ेगा। हाँ, केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट उससे नहीं, आपके जेई हैं, आपके जेई एई और अभी तीनों टीम जेई और एई भी दस्तक करते हैं। हाँ, एक तो ये 66 मैंने क्या कहा, बहुत सिंपल भाषा में कहा, पुलावा वही लगेगा जहाँ सिंचाई होगी, बहुत सिंपल है। अब उसके लिए चाहे ऑक्सीजन को चाहे चीफ को चाहे हमें जाना पड़े, बताओगे मैं खुद ही आ जाऊंगा, अगर मेरे आने से वो काम हो रहा तो बुलाओ मैं आऊंगा, आई डोंट बॉदर, प्रोवाइडेड ये ज्वाइंटली हो जाए, नहीं तो आप इनको नालाई दे दोगे तो ये बढ़ा नहीं पाएंगे, फिर वही वाला होगा जैसे हो रहा है। तो 166 हो गया, ठीक है, ओके, तो एक सप्ताह में 166 लेकर के इसको फाइनल कर दिया जाए। अब मान लीजिए एक सप्ताह में इन्होंने 166 दे दिया जाए, तो हम लोग कितने दिन में हमारे लोग उसका टेंडर बना दे देंगे? सर एक सप्ताह में 166 फिजिबल नहीं है क्या सर? टेंडर एक दिन में मैक्सिमम ये दो या तीन गुलाबे कर सकते हैं। एक मिनट आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शुक्ला जी पता नहीं क्या हो गया, आप कह रहे हो एक सप्ताह नहीं, मैं एक दिन में करा दूंगा, और बोलो यही ताकत यही सब रहेंगे, इन्हीं से एक दिन में खड़ा होकर करवा दूंगा। ये टीम तो अलग अलग है ना, फिर अरे यार तुम गिला हो जाए, एक दिन में यही कहो भी मैं, अगर आपको लग रहा हो मैं तो सहयोग कह रहा हूँ, मैं खड़ा रहूंगा अभी वही 10 बजे रात तक चाय पीऊंगा, सब कर देंगे, इनके अंदर ये हनुमान है, ये अपनी ताकत नहीं पहचान रहे हैं, अब आप उनको कह रहे हो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, मैं कह रहा हूँ ताकत है क्या, इनको इनकी ताकत का एहसास दिलाने जरूरत है, सोए जगाने जरूरत है, क्या समझते हैं ये जी, ये सुपर हनुमान है, ये कितना पुल बना देंगे वहाँ श्रीलंका उनका, आप ये बस बताइए, जा करके लगिए, ठीक है ना, और काम कैसे होता है वो हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं जानते, हमें काम कैसे कराना होता हम लोग इलेक्शन में रातों रात करा देते, ऐसे हवा में लगता सारा कुछ नहीं होगा, उनका बढ़िया होता है वो आपके अंदर जो तमन्ना वो दिले ही होनी चाहिए, तो ये कह रहे हो सप्ताह में क्या नहीं कर पाएंगे, यदि रात को 3 घंटा ज़्यादा करेंगे कौन रोक रहा है, नहीं कर पाएंगे तो रगड़े जाएंगे, 5 साल में तो नहीं किए तो क्या आपने इनको तीर मार दिया, और डिपेंडेंसी भी तो नहीं है, एक गुलाबे की दूसरे गुलाबे पर डिपेंडेंसी तो है नहीं, तो फिर क्या मतलब है, पूरी टीम पूरे ऑल अराउंड 53 किलोमीटर टीम इज डिफरेंट, तो ये क्यों बात बारी ये मत कहो, ठीक है एक सप्ताह डे नाइट लग के काम करिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, और ये कादम वाले और ये इरिगेशन वाले सब लोग ये कई विभाग के हो, ठीक है सब लोग इरिगेशन वाले हो, केवल एक कमरा है उसमें अलग अलग कोठरी बनी, एक कमरे में कादम है, एक कमरे में इरिगेशन है, एक कमरे में
वो है बालवी है एक कमरे में, सब है मकान एक ही ठीक है। ये भी है आपस में लड़ते बहुत है, हमारा काम नहीं उनका नहीं सबका काम।